हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज एमबीए पब्लिकेशन जो सेट 8 है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है द इम्पेटस एकेडमी, वहां पे आपको शेयर किया जाता है। उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आपको मिलता है डिटेल में, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 8 का। हम लोग पार्ट 7 तक कर चुके थे और फिर पार्ट 1-5 का वर्ड मीनिंग साथ में हम लोग देख चुके थे, एंटो और साइनो का, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ वाईफाई का मेरा इश्यू हो गया था, इस वजह से हम लेसन्स जो है नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब जो है सारा सही है। तो अब आपको रेगुलर जो है जीएस का भी लेसन आपको कल दिया गया है और डेली मिलते रहेगा। उसी तरीके से अब इंग्लिश का भी सॉल्यूशन होते जाएगा रेगुलर, ठीक है। और हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे बहुत सारी चीज़ों का। तो चलिए देखते हैं, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिलता है। जो इस लेसन को पहली बार देख रहे होंगे तो पहले आप कंप्लीट देख लीजिएगा लेसन को, अगर आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन बताने का तरीका तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, एमबी पार्ट 8 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे डिटेल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1-5 जो है उसमें आपको जो है फाइंड आउट करना है कि आपको एक सेंटेंस है उसमें कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1-5 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में जो है सिंस 2007 दिया गया है, तो ये एक निश्चित समय है, तो उसके साथ सिंस का यूज सही है। लेकिन सिंस का यूज कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है सिंस और फॉर का। हम लोग टेंस में भी पढ़े हैं और बहुत सारे टाइम्स हम लोग जब सॉल्यूशन किए हैं तो देखे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फॉर या सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंस 2007 है यानी कि सही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस बनता है वो किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का बिफोर प्लस सिंस या फॉर फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर यूज करना होता है, बिफोर यानी कि आईएनजी फॉर्म में आपका सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका देखिए एरर हो जाएगा। इज के जगह हमें क्या यूज करना होगा? हैज बीन यूज करना होगा। द कॉलेज हैज बीन रनिंग, रनिंग देखिए आपका बिफोर फॉर्म में है तो सही है, ठीक है। तो इज को हमें रिमूव करना है किससे? हैज से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो हैज यूज हुआ है, ठीक है। जब प्लूरल होता तो हैव यूज होता, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही है, इज को रिमूव करिए हैज से, उसके बाद फिर आपको यूज करना है बीन, फिर आपका रनिंग तो है ही, फिर आपका सिंस फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका एरर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र, देखिए नाइदर के साथ तो नॉर यूज होता ही है, तो ऑप्शन ए में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन बी में है हैज डन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक तो नाइदर अपने साथ नॉर लेता है और इसके बाद जो आपका भर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में भी आपका जो भर्ब यूज हुआ हैज यूज हुआ है यानी कि सिंगुलर है, तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब भर्ब सिंगुलर है इट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तभी तो हम भर्ब भी सिंगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो इसके बाद जो आपका ये आएगा यहाँ पे, तो देयर, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी में देयर है ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको भी हमें चेंज किस में करना होगा? सिंगुलर फॉर्म में करना होगा। तो नाइदर नॉर यहाँ पर रमेश और राजेंद्र है यानी कि किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो हम यहाँ पे हिज का यूज करेंगे, ठीक है। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली, यानी कि ना रमेश ने उसने अपना अच्छा काम किया है सही तरीके से, ना राजेंद्र ने अपना काम सही तरीके से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज किस लिए यूज हुआ है? राजेंद्र के लिए या फिर रमेश के लिए, राजेंद्र के लिए या फिर रमेश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका एरर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच
सॉरी एट वन अनदर इन पब्लिक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका इरर है, वन अनदर यूज होता है दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए ठीक है, लेकिन ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, दो के लिए ठीक है। तो देखिए द टू सिस्टर, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गया है द टू सिस्टर, तो यहाँ पर दो लोगों के लिए, तो दो लोगों के लिए हमें क्या यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है, जबकि वन अनदर का यूज होता है दो से अधिक के लिए ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका इरर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे इरर हो जाएगा, वन अनदर की जगह आपको यूज करना है ईच अदर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, विथ अ गुड लाइन लेंथ द स्पिनर्स वेयर एबल टू पेक द बैट्समैन डाउन ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इरर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, पेक डाउन मतलब होता है नियंत्रण करना, पेक डाउन मतलब क्या होता है नियंत्रण करना। तो एक स्पिनर जो है अपने बॉलिंग से है जो है अपने बैट्स जो बैट्समैन होते हैं उनके पोजीशन उन बैट्समैन जो हैं उन पर वो नियंत्रण कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पिनर है आपकी टीम में अच्छा स्पिन करते हैं वो तो बैट्समैन पर वो नियंत्रण कर सकते हैं। तो पेक डाउन या फ्रेजल वर्ब इसका अर्थ होता है नियंत्रण करना ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर रिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है, यहाँ पे ए रिंग होगा यानी कि एक अंगूठी जो है उसने कल पहना ठीक है, ये एक सिंगुलर आपका नाउन हो गया तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपका इरर है, रिंग के पहले आपको यूज करना है ए, क्वेश्चन नंबर फाइव में सी इरर हो गया ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, एक एप्रोप्रिएट आपको वर्ड यहाँ पे भरना है ठीक है। आई फिल इन द ब्लैंक्स रेदर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। तो देखिए अगर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हो और इसके बाद आपका यूज हुआ हो रेदर ठीक है, तो ये अपने पास्ट फ्यूचर टेंस में यूज होगा ठीक है। यहाँ पे यानी कि विल का जो यूज होगा वो आपको वुड में बनाकर करना होगा ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्या रेदर के पहले आपको लगाना होगा फ्यूचर और फ्यूचर का जो है उससे आपको उसका पास्ट में कन्वर्ट करके यूज करना होगा। तो देखिए फ्यूचर में एक वर्ड हम ले लिए विल और उसका पास्ट क्या होता है वुड ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर है, वुड यहाँ पे सही होगा, यानी कि आपको याद रखना है कि रेदर के पहले आपको उड या कुड इस तरह के वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड फिल इन द ब्लैंक्स इट्स लोएस्ट लेवल्स। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, ड्रॉप एट मतलब होता है गिरना, ड्रॉप एट मतलब होता है गिरना, उस दिन जो है डॉलर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर गिर गई, अपने न्यूनतम उसका जो वैल्यू था उस पर वो गिर गई ठीक है। तो यहाँ पर जो है ड्रॉप आउट यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आई जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स दैट पीटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। आई जस्ट, देखिए जस्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है इसके बाद आप हमेशा पास्ट यूज करें, पास्ट फॉर्म में अपने वर्ब को यूज करें ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है हियर्ड राइट आंसर हो जाएगा, आई जस्ट हियर्ड यानी कि मैंने अभी तुरंत सुना कि पीटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टू राइट रेगुलरली किसी चीज के लिए अगर आप लिखते हैं ठीक है, वहाँ पे आप फॉर का यूज करते हैं, फॉर प्लेजर, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ठीक है। अगर आपको किसी चीज को करने में खुशी मिलती है आनंद मिलता है तो वहां पे आपको यूज करना होता है फॉर। देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, टू राइट रेगुलरली फॉर प्लेजर यानी कि रेगुलर यानी कि नियमित रूप से लिखना अपने आनंद के लिए, इज व्हाट शी वांट्स टू डू नाउ यानी कि अब वो क्या चाहती है कि अब वो रेगुलर लिखे आनंद के लिए खुशी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दिस इज अ गुड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द साइट, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी साइट, साइट मतलब क्या होता है स्थल ठीक है। अगर आपको कहीं पे बिल्डिंग्स बनाना होता है, स्कूल्स बनाने होते हैं या और वेरियस चीजें जो होती हैं वो बनाने होते हैं ठीक है रहने के लिए, तो वहां पे आप इस वर्ड का यूज करते हैं साइट का।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन ए में इसका है एस आई जी एस टी, साइट मतलब इसका मतलब हो गया दृश्य, ठीक है। ऑप्शन बी में जो साइट है इसका मतलब होता है उदाहरण देना, बार बार बोलना, ठीक है। ऑप्शन सी तो हम लोग देख लिए, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे स्पॉट, इसका मतलब होता है स्थल। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन इस साइट का मतलब होता है स्थल, जहाँ पे आपको स्कूल्स कॉलेजेस होटल्स ये बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस साइट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ये देखिए 11 to 15 जो है ये सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थी शब्द, मिलता जुलता शब्द आपको बताना होता है, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए पूरे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमें एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है, और एक्सपीरियंस भी होते जाता है धीरे धीरे चीज़ों को समझने का, बनाने का। इसलिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, ताकि इनके बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हम लोग अच्छे से एग्जाम में बना पाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सिनोनिम्स में एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, ई एक्स पी एल आई सी आई टी। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, क्या होता है स्पष्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब भी होता है स्पष्ट, ठीक है। तो याद करते जाइएगा जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स ओडब्ल्यूएस आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, तो सारे को आप लोग याद करते जाइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब भी होता है मेहनती, ठीक है। और स्पेलिंग पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग्स भी पूछे जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ड मिस स्पेल्ड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है मिलता जुलता, यानी कि आप उससे जानकार हैं, ठीक है, अवगत हैं। फैमिलियर के जैसा आप उसके अवगत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका वेल नोन, यानी कि सब लोग उसके बारे में जानते हैं, सब उससे अवगत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डेजर्ट, डी ई डबल एस ए आर टी। डेजर्ट मतलब होता है मीठा, यानी कि खाने के बाद जो हम लोग रात में खाते हैं वो मीठा के तौर पे, उसे ही बोला जाता है डेजर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी स्वीट डिश, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एफिलिएट, ए डबल एफ आई एल आई ए टी। एफिलिएट मतलब होता है संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित होना, ठीक है। तो संबंधित होना, अब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एसोसिएट। एसोसिएट मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ना, संबंध होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 to 15 का सिनोनिम्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 12 जो कि है एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी इसका मतलब होता है कंजूस, अल्पव्ययी, ठीक है, अल्पव्ययी या फिर कंजूस। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी वेस्टफुल। वेस्टफुल यानी कि जो पैसा को उड़ाता है, ठीक है, खर्चीला। तो यहाँ पर जो एंटोनिम्स हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन सी वेस्टफुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, फैंटास्टिक मतलब होता है काल्पनिक, किसी चीज़ को आप कल्पना करते हैं, ठीक है, तो काल्पनिक फैंटास्टिक। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी रैशनल। रैशनल मतलब होता है तार्किक। रैशनल मतलब क्या होता है, तार्किक, यानी कि आप एक जो चीज़ है वो सिर्फ कल्पना पर है, और एक जो है लॉजिकल है, रेशनल है, आप उस चीज़ को अनुभव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे वेस्टफुल मतलब कि खर्चीला, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इनोवेट, इनोवेट यानी कि आविष्कार करना किसी नया चीज़ को, ठीक है, किसी नया चीज़ को आप आविष्कार करते हैं उसे बोला जाता है इनोवेट। अब इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कॉपी, यानी कि किसी चीज़ का नकल करना। एक होता है कि कोई किसी चीज़ को नए तरीके से बनाता है, और एक जो होता है वो किसी चीज़ का कॉपी करता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एनेक्सियस, ए एन एक्स आई ओ एस। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित, क्या होता है,
चिंतित, परेशानी से भरा। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केयर फ्री, केयर फ्री यानी कि चिंता मुक्त, केयर फ्री यानी कि चिंता मुक्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स के रूप में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है हेजी, HAZY, हेजी मतलब होता है धुंधला, हेजी मतलब क्या होता है धुंधला, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्लियर, क्लियर मतलब क्या होता है, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, एक चीज धुंधला और एक चीज स्पष्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा एंटोनिम्स में। तो ये हुआ सिनोनिम्स, ये हुआ एंटोनिम्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 to 25 जो है ये आपका आइडम्स फ्रेजेस हैं, ठीक है, आइडम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक्स। यहाँ पर देखिए टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, ये आपका अंडरलाइंड सेक्शन है और यही आपका आईपी है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा करना, अनदेखा करना यानी कि आप उस चीज को देख रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि छोड़ो यार रहने दो, ठीक है, मतलब कि अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस यानी कि आप ऐसा सबको जताना चाह रहे हैं कि मैंने उस चीज को देखा नहीं है लेकिन असल में आप उस चीज को नोटिस कर चुके हैं, प्रिटेंड मतलब कि दिखावा करना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन अ स्मोक, एंडेड इन अ स्मोक यानी कि निष्फल होना, यानी कि कोई भी हल पर ना पहुंच पाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी केम टू नथिंग, केम टू कम टू नथिंग, यहाँ पर हम लोग भी वन यूज किए हैं तो यहाँ पर भी वन यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि कम टू नथिंग यानी कि कोई भी फल उसका निष्कर्ष ना निकल पाना, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स, रन इट्स कोर्स यानी कि कुछ दिन चलेंगे, यानी कि जब इसका प्रचलन होगा तो वो चलेगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है समाप्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हम एग्जैक्ट हिंदी नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग समझ लीजिए, मींस कि अभी जो है लॉन्ग स्कर्ट्स जो है ये फैशन चल रहा है लेकिन धीरे धीरे जो है ये वैनिश होता चला जाएगा यानी कि समाप्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द ATS सेट द वेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। यहाँ पर देखिए सेट द वेट, ये है आपका अंडरलाइन सेक्शन यानी कि ये आईपी है, ठीक है। तो सेट द बेट यानी कि जाल बुनना, जाल बुनना यानी कि किसी को फंसाने की साजिश रचना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेड द ट्रैप यानी कि जाल बिछाना, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट यानी कि कोशिश करना, कुछ लोग होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं लेकिन मैंने जो क्या सोचा है कि अब मैं गिव इट अ शॉट यानी कि अब मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ट्राई समथिंग, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, कुछ करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आईपी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 30 जिसमें है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 26 to 30 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड बिलो द गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइंड पार्ट ए बी सी विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। अगर आपका कोई सेंटेंस में गलती है तो आप अपने ऑप्शंस यानी कि ए बी सी के साथ उसे सुधार सकते हैं, अगर गलत है तो, अगर कोई गलती नहीं है तो आपको जाना है ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, आपको क्वेश्चन दिया गया है पीडीएफ में, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं अच्छे से। एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, राकेश जो है वो एक ब्रेव हार्ट व्यक्ति था इसलिए जो है उसने आर्मी ज्वाइन करने के लिए चाहा। तो यहाँ पर देखिए एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, तो यहाँ पर जो है अगर कोई पर्सन के साथ अगर वो किसी चीज की तरह है या फिर बनना चाहता है तो उसके साथ एज का ही यूज होता है, ठीक है, इसलिए जो है हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ, नो इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 20
सिक्स के जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वाज आस्क्ड टू स्टैंड, देखिए स्टैंड बाई मतलब होता है मदद के लिए तैयार रहना, मदद के लिए तैयार रहना मतलब समर्थन देना, सपोर्ट करना, ठीक है, तैयार रहना। तो अगर कोई इमरजेंसी होता है तो आर्मी जो है हमेशा वो मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो इसलिए अप को हम रिमूव किससे करेंगे, बाई से करेंगे, यानी कि मदद के लिए समर्थन के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो है अप को रिमूव करेंगे और बाई का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। He kept us all in suspension regarding his future plans. अब यहाँ पर देखिए suspension मतलब क्या होता है, suspension मतलब होता है निलंबन, यानी कि देरी किसी चीज़ में या फिर उसे हटाना। ठीक है, तो suspension यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है कि उसका जो future plan क्या है वो उसके बारे में किसी को नहीं बता रहा है, यानी कि सबको जो है दुविधा में रख रहा है, असमंजस में रख रहा है। तो दुविधा या फिर असमंजस उसका जो होता है वो होता है सस्पेंस, सस्पेंस यानी कि सबको जो है सस्पेंस में वो रख रहा है, सबको दुविधा में वो रख रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रीड इट। देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा सेंटेंस उसे पास्ट परफेक्ट में करना होता है। ठीक है, या अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा पार्ट उसका प्रेजेंट परफेक्ट में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट हमारा देख रहे हैं जो ही रिटर्न द बुक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसके आगे आने वाला जो पार्ट होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए जो है हम यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, हैड रीड, हैड रीड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सी हर्ट हर बैक व्हाइल सी वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए सी हर्ट हर बैक ये एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे एक बताया जाता है कि एक काम हो रहा है और एक काम जो है होने वाला है। ठीक है, तो जो काम होने वाला होता है उसे हम रखते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, जो काम होने वाला है उसे हम, जो काम हो चुका है या फिर होने वाला है उसे हम रखते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए सी हर्ट हर बैक, उसने जो है दोबारा उसे हर्ट किया जब वह काम कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए जो काम होने का सेंस है यहाँ पे, तो काम होने का जो सेंस है इसलिए जो है हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वाज वर्किंग, वर्क के रिमूव किससे करेंगे, वाज वर्किंग से, क्योंकि यहाँ पर जो है काम को होने का के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है हम यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, वाज वर्किंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 to 30 का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 to 35 जो है उसमें आपको OWS बनाना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब होता है कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, जो खास विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी इसका मतलब होता है अभिजीत, अभिजात कुल। ठीक है, मतलब कोई विशेष वर्ग के द्वारा गवर्नमेंट को चलाया जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। टू स्टोर एन स्टॉक, यानी कि किसी चीज़ को आप स्टोर कर लिए और उसको फिर स्टॉक की तरह बेचते हैं, जैसे कि ज़्यादातर मार्केट में होता है स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, HORD, मतलब कि भंडारण, भंडारण। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे देखिए HORD इसका मतलब होता है गलत तरीके से वस्तुओं का भंडारण करना, गलत तरीके से वस्तुओं का भंडारण या फिर उसे छिपा कर रखना। ठीक है, भंडारण या फिर छिपा कर रखना। ठीक है, तो ये होल्ड मतलब होता है छिपाना, तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा।
ठीक है, राइट आंसर हमारा सी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अ स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि आपके चारों ओर के वातावरण को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं आपके चारों ओर के वातावरण आदि सब चीज़ को मिलाकर क्या बनता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, यानी कि किसी क्षेत्र का बाउंड्री, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेरीफेरी। पेरीफेरी, पी ई आर आई पी एच ई आर वाई, पेरीफेरी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अ वार ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस मतलब कि धर्म के लिए जो लड़ाई होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रूसेड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अ वार ऑफ रिलीजियंस यानी कि धर्मों के बीच जो है लड़ाई है उसे क्या कहा जाता है, क्रूसेड। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36-40 जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30-40 जो है उसमें कह रहा है कि इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, ए बी सी डी, उनमें तीन स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत लिखे गए हैं और एक स्पेलिंग जो है सही लिखा गया है। तो आपको सही स्पेलिंग को चूज करना है, करेक्टली स्पेल्ड जो है वो आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी। ध्यान से याद कर लीजिएगा इन वर्ड्स को, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर, साथ साथ में हम लोग जो है इनका अर्थ भी याद करते चले जाएंगे। तो इंटरमिटेंट यानी का ऑप्शन सी, स्पेलिंग सही से याद करिएगा, इसका अर्थ होता है रुक रुक कर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, ग्रीवेंस, जी आर आई ई वी ए एन सी ई। ग्रीवेंस मतलब होता है दुख, संकट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, ओकेजन, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। ठीक है, ओकेजन मतलब क्या होता है, ओकेजन मतलब होता है अवसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, सोवर एनिटी, एस ओ वी ई आर ई आई जी एन टी वाई, इसका मतलब संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है। हमेशा इन वर्ड्स को अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर फंसा देगा, जी के बाद आई दे देगा, फिर एन के बाद, और बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शंस जो हैं आप देख ही रहे हैं, तो सारे आपको एक समान ही लगते हैं लेकिन कोई एक ही सही है। तो आप अच्छे से इन वर्ड्स को याद करते जाइएगा और इनका अर्थ भी याद जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका अकोमोडेशन, यानी कि ऑप्शन बी। अकोमोडेशन मतलब होता है आवास, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, आवास होता है, यानी कि रहने का एक प्रकार का स्थान। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब क्या हो गया आपका, आवास। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आवास या फिर स्थान, आवास या फिर स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41-50 जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक से एक पैसेज दिया गया है, उसे आपको भरना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द वर्ड्स हैज बीन लेफ्ट आउट, यानी कि सेंटेंस है उसमें एक जो वर्ड है वो छोड़ दिया गया है। फर्स्ट रीड द पैसेज, यानी कि पैसेज को रीड करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी कि वो पैसेज किसके बारे में है ये आपको समझना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसकी मदद से आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग पैसेज बनाएंगे तो सबसे पहले पैसेज को एक बार रीड कर लीजिए, जैसे कि आपको PDF दिया गया था। तो आई होप आप सभी ने बनाने की कोशिश किया होगा, आप सभी ने। तो देखिए, जैसे अगर आप समझे होंगे, अगर आप बनाने की कोशिश किए होंगे तो आप समझे होंगे कि इसमें जो बात किया गया है इस पैसेज में, वो बात किया गया है एंट और जब उनका प्रोसीजर, जब वो खाना बनाने के लिए या खाने के सर्च में वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एंट्स गो इन ग्रुप इन सर्च ऑफ फूड, एंट्स मतलब क्या होते हैं, चींटी, चींटी जाते हैं अपने खाने की खोज में एक ग्रुप बनाकर। टू डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, अ फ्यू वर्कर एंट्स फिल इन द
ब्लैंक स्काउट्स, टू डू दिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 41 में हम ऑप्शन बी को यूज करेंगे इनिशियली, यानी कि शुरुआत में, मतलब शुरुआत में जब ऐसा वो करते हैं, इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआती, ठीक है। टू डू दिस इनिशियली अ फ्यू वर्कर एंड्स फिल इन द ब्लैंक स्काउट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में हम यूज करेंगे ऑप्शन ए, स्काउट जिनका नाम है, मतलब जो ये काम करते हैं, जो चीटी ऐसा काम करते हैं, मतलब खाने के खोज में जो जाते हैं ग्रुप बनाकर, उसे क्या कहा जाता है, स्काउट कहा जाता है, ठीक है। टू डू दिस इनिशियली अ फ्यू वर्कर एंड्स कॉल्ड स्काउट्स गो आउट फॉर देयर नेट्स टू फॉर एज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में हम यूज करेंगे फॉर का, यानी कि इसके पहले देखिए फॉर एज एक वर्ड है यहाँ पे, फॉर एज इसका मतलब होता है भोजन या फिर चारा की खोज करना, भोजन या फिर चारा की खोज करना, मतलब कि खोजना, ठीक है, को खोजना। तो फॉरेज यानी कि जो चिड़ियाँ हैं वो ग्रुप बना कर जाते हैं और अपने चारे या फिर भोजन की को खोजते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ के बारे में खोजना जानना, तो यहाँ पे हम इसलिए फॉर का यूज किए हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। फॉर फूड वंस एंड फिल इन द ब्लैंक सोर्स ऑफ फूड वंस एन अबंडेंट। अब यहाँ पर देखिए अबंडेंट, अबंडेंट मतलब क्या होता है, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि अगर एक बार उन्हें प्रचुर मात्रा में उन्हें खाना मिल जाता है, यानी कि सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है, इज फाउंड, यानी कि अब उन्हें जो है एक बार अगर प्रचुर मात्रा में खाने को सोर्स अगर उन्हें मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एंड इट फिल इन द ब्लैंक्स टू द नेस्ट विद अ सैंपल इट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में इट रिटर्न्स टू द नेस्ट, यानी कि अब जो जब उन्हें खाना मिल जाता है प्रचुर मात्रा में, वो खोज लेते हैं खाना को, तो वो जो है अपने नेस्ट की ओर वापस आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी जो है रिटर्न यूज होगा, ठीक है, नेस्ट की ओर जो है वापस आते हैं सैंपल के साथ, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार का खाना मिला है उसका वो सैंपल लेते हैं और रिटर्न होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 47 व्हाइल फिल इन द ब्लैंक्स सो, यानी कि व्हाइल डूइंग सो, यानी कि ऐसा करने के दौरान, मतलब कि जब वो ऐसा करते हैं, जाते हैं बाहर खाना खोजते हैं, जब उन्हें प्रचुर मात्रा में खाना मिल जाता है तो वो फिर रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के दौरान व्हाइल डूइंग सो इट इजेक्ट्स अ केमिकल, यानी कि वो जो है एक केमिकल को छोड़ते हैं। इजेक्ट मतलब क्या होता है, इजेक्ट मतलब होता है छोड़ना, बाहर छोड़ना, ठीक है, बाहर छोड़ना। ऐसा करने के दौरान वो क्या करते हैं कि केमिकल को छोड़ते हैं एंड ड्रॉज एन इनविजिबल लाइन, और वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक लाइन पारते चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, ठीक है। इट ड्रॉज एन इनविजिबल लाइन फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जहाँ पर उन्हें खाना मिला था, जहाँ पर उन्हें खाने का सोर्स मिला था, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ से अपने नेस्ट तक आते आते वो जो है एक लाइन घिसते चले आते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड टू इट्स नेस्ट इट देन कॉन्टेक्ट अदर एंड्स, और जब वो नेस्ट में आ जाते हैं तो वो और सारे एंट्स जो होते हैं, जो चींटियाँ होती हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, हु ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर, और वो जो बाकी चींटियाँ हैं वो भी जो हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करती हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ये यहाँ पे सेम प्रोसीजर, मोर एंड मोर वर्कर्स एंड ब्राउट इन एंड फूड इज स्लोली टेकन बैक टू द नेस्ट, और धीरे धीरे वो क्या करती हैं कि अपने खानों को अपने नेस्ट तक धीरे धीरे लेकर आती हैं, ठीक है। तो ये है एंड से रिलेटेड एक पैसेज, और उनको यहाँ पर हम लोग फेल कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हुआ MBA पब्लिकेशन का जो सेट है 8, इसका सॉल्यूशन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर सेट 9 को का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा YouTube पे कल, और इसका PDF जो है
आपको टेलीग्राम चैनल पर तो मिलता ही है, और बाकी सारे चीज़ों का भी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीजेएस अकेडमी है, वहाँ पे आपको मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल क्लासेस में। थैंक यू।